हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टेस्टी रेसिपी सीखने को मिलती रहे। तो आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं वो है शाही मलाई कोफ्ता। जी हाँ, शाही मलाई कोफ्ता एक बहुत ही पसंदीदा भारतीय व्यंजन है जिसे दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। इस व्यंजन में पनीर, आलू और मसालों से बने नरम और आपके मुंह में पिघल जाने वाले कोफ्ते बनाए जाते हैं, जिसे एक बड़ी ही सुगंधित ग्रेवी में पकाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं स्वादिष्ट शाही मलाई कोफ्ता कैसे तैयार करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ पनीर ले लिया है 100 ग्राम, 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, मुट्ठी भर काजू ले लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच क्रीम, 2 से 3 चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर, बारीक कटा हुआ धनिया, टमाटर 2 कटे हुए और 2 प्याज। मसालों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और यहाँ पे कुछ साबुत मसाले भी इस्तेमाल होंगे, तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी छोटा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 3 से 4 लौंग। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ पनीर ले लिया है, 2 बॉयल्ड आलू, ध्यान रहे दोनों समान मात्रा में यूज़ करने हैं हमें, आलू और पनीर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिलीज़, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, धनिया पत्ती ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लोर। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए, हम मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर निकल कर आया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, यानी कोफ्ता। इसको आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, यहाँ मैं लंबे बना रही हूँ, आप गोल भी बना सकते हैं। और अब इस सारे मिक्सचर से हम अपने कोफ्ते अच्छे से रेडी कर लेंगे। देखिए, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें अपने कोफ्ते डालेंगे। इसको हमें मीडियम आंच पे पकाना है जिससे कि ये फट ना जाए। इसको गोल्डन करना है हमें, इसको बड़े हल्के हाथ से इसको पलटना है धीरे धीरे करके। देखिए, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, हमारे कोफ्ते अच्छे से रेडी हो चुके हैं, पक चुके हैं। आइए अब इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने सारे खड़े मसाले डाल लिए हैं। अब इसको फ्राई कर रही हूँ मसालों को। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, शैलो फ्राई करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपना अदरक और लहसुन, बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बाद में ग्राइंड होगा हमारा मसाला। अभी इसको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमारी जो प्याज है मुलायम हो जाए। ये देखिए हो गई है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर कटा हुआ, काजू ऐड कर दिए हैं मुट्ठी भर। अब इसको अच्छे से हमें पकाना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने मसाले, हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, नमक स्वाद अनुसार। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको हमें पकाना है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। अब इसको हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और अब इसको अब ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से पहले आप तेज पत्ता ज़रूर निकाल लें। ये देखिए मैंने अपना ये मसाला ग्रेवी रेडी कर ली है ग्राइंड करके। अब हमने एक पैन में ग्रेवी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने बटर ले लिया है,
बटर को मेल्ट होने देंगे फ्राई पैन में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी ग्राइंड की हुई ग्रेवी, लेकिन इसको हमें ऐड करना है छानते हुए। जी हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे छन्नी ले ली है, हाथ के हाथ हम इस ग्रेवी को ऐसे छानेंगे। सारे जो मसाले हैं वो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं और नीचे क्रीमी ग्रेवी जो हमारी रेडी हुई है, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी क्रीमी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम बॉईल करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। पूरी ग्रेवी हमने बटर में ही रेडी करनी है क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी रगड़ यूज़ करी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अपनी ग्रेवी में। इसको थोड़ी देर हमें बॉईल करना है। देखिए ढक दिया है मैंने, हमने 5 से 6 मिनट बाद ही ग्रेवी में जैसे उबाल आया, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड करी है जिससे कि फ्लेवर बहुत बैलेंस हो जाते हैं। जो हमने टमाटर यूज़ किए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है खट्टे हों, थोड़ा सा डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ क्रीम थोड़ी सी। इस मोमेंट पे हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। अब ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तो आइए शाही मलाई कोफ्तों को सर्व करते हैं। तो दोस्तों, शाही मलाई कोफ्ते को सर्व करने की एक ट्रिक होती है कि हमको इन कोफ्तों को ग्रेवी में बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता है क्योंकि ये फट सकते हैं। तो जब आपको इन कोफ्तों को मेहमानों के सामने परोसने हो या खाने हो, तो ग्रेवी गर्म करिए और कोफ्तों को उसके अंदर 2 मिनट तक पकाइए या फिर डाल के रखिए, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी को वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ प्लेटिंग मैंने कर दी है शाही मलाई कोफ्ते की। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से। देखिए बहुत ही क्रीमी बने हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम मुंह में घुल जाते हैं खाते ही। बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। इस रेसिपी को रुमाली रोटी या नान के साथ परोसा जाता है और साथ में प्याज और हरी चटनी हो तो इसका अलग ही आनंद आता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।